ये पांच अमेजिंग एनिमेटेड फिल्म्स हैं दैट आई थिंक यू कैन वॉच एज एन एडल्ट एंड एंजॉय. Yo, what is up? Shadar here. आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट माई फेवरेट एनिमेटेड फिल्म्स. ये ऐसी पिक्चरें हैं जिनको देखकर मेरे मन के अंदर, मेरे साइकी के अंदर और ओवरऑल मेरी सेंस ऑफ अप्रिसिएशन अराउंड एनिमेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. ठीक है, नंबर वन बड़ी ही ऑब्वियस सी पिक्चर है. अगर आप लेट 90s में पैदा हुए थे आपने जरूर देखी थी क्योंकि टीवी पे अक्सर आती थी, विच इज युगो साको की रामायणा, एके द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम. ये वो वाली पिक्चर है जिसके अंदर शत्रुघ्न सिन्हा, अमरीश पुरी जैसे लोगों ने अपनी वॉइस दी है और इसके जो एनिमेटर हैं वो एक जापानीज इंसान था जो आज भी जिंदा है, उनका नाम है युगो साको. 92 में पिक्चर बनाई गई थी और ये एक पिक्चर इतनी फार्ड या इतनी अमेजिंग इसलिए बिकॉज द होल स्टोरी ऑफ रामायणा, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर कि तुम उसका पूरा वर्जन कहाँ से लेके आते हो. क्या तुमने रामचरितमानस पढ़ी इसलिए तुम्हें रामायण याद है? क्या तुमने अपने मोहल्ले में जाकर रामलीला देखी इसलिए तुम्हें पूरी रामायण याद है? क्या तुम्हें अपनी दादी या अपनी नानी या अपने दादा या अपने पापा मम्मी की किसी की स्टोरी याद है? ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे लेकिन कभी भी मेरे को रामायण पूरे रूप में याद नहीं थी, वट एवर यू नो, जितना भी अब्रिज्ड वर्जन पिक्चर में दिखाया है, बिकॉज टेक्निकली रामायण तो बहुत बड़ा एक हिंदू एपिक है, राइट? तो उस सेंस के अंदर एज अ यंग किड जो ये पूरा का पूरा रामायण का कैरेक्टर्स का कॉर्पस है, जो लेसन्स हैं या फिर जो श्रीराम का पॉजिटिव अवतार है या उनकी हीरोज जर्नी है या और सारे कैरेक्टर्स हैं, वो सब का सब मेरी साइकी के अंदर एम्बॉडी हो गया था बिकॉज ये पिक्चर मैंने इतनी बार देखी, इतने रीरन्स देखे और ऑलमोस्ट इन अ वे एनिमेशन इतनी खूबसूरत थी कि देर वॉज नो फ्रिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी. बड़ा ऑब्वियस था यह दिखाना कि मंत्रा है जो फूड डालती है केकई के दिमाग में पहले, वो कुबड़ी है, वो हंचबैक है, तो वो कैसी दिखती है. इवन दो जापानीज एनिमेटर है तो तुम इमेजिन कर सकते हो क्योंकि मैं थोड़ा नूब हूँ इस चीज़ के अंदर कि एनिमेशन किस तरह होती है. थोड़ी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, रिलेटिवली गोरी स्किन होती है, राइट? उस सारी एनिमेशन को इंडियन फेसेस के ऊपर करना विदाउट नेसेसरली मेकिंग अस फील लाइक कि ये फॉरेन फेसेस हैं, वो बड़ा कमाल था. अपार्ट फ्रॉम द न्यूमरस थिंग्स दैट द फिल्म गॉट राइट, जो स्कोर था बहुत बढ़िया था, गाने ऐसे बनाए गए कि श्री रघुवर की वानर सेना सेतु बांध रही, बड़े एक ऐसे यू नो इट्स अ वेरी हम करके दिखाएंगे टाइप का गीत कि हम कर सकते, इंस्पिरेशनल सॉन्ग अराउंड यू नो रैलिंग अ ग्रुप टुगेदर अराउंड वन कॉज. फिर जो रावण का गाना भी था कि जब रावण की एनिमी आर्मी अटैक करती है, इट्स लाइक जय लंकेश्वर, जय राक्षसपति महाकाल, जय जय सारे काटे, झटपट झटपट स्वाहा हा हा, झटपट झटपट, मतलब यू कैन फील कि अच्छा ये राक्षसों की आर्मी है. जब हनुमान जाके अशोक वाटिका में सीता सीता मैया से बात करने जाते हैं कि आप चलो मेरे साथ, तो वो पूरा गाना गाते हैं कि जननी मैं राम दूत हनुमान, इस तरह से. तो मतलब यार एनिमेशन के बियॉन्ड इतना सारा फ्लेवर है इस पिक्चर के अंदर, ऐसी रिकग्नाइजेबल आवाजें हैं, द होल एपिक इज सो ब्यूटिफुल टू लुक एट. एक तो जो एक सेंस होता है ना कि आप एक अपने कल्चर के एक पार्ट को किसी और बच्चे को सिखाते हो, पर आप जिस तरीके से सिखाते हो वो बड़ा अथॉरिटेरियन होता है, बड़ा डाइडेक्टिक होता है, बड़ा ऐसे इम्पोजिव एक इम्पोज करते होगी यही है. उस सेंस के अंदर अलाउइंग योर सेल्फ टू बी अ पैसिव ऑब्जर्वर ऑफ दिस ब्यूटिफुल मूवी जहाँ पे श्रीराम की हीरोज जर्नी प्ले आउट हो रही है एंड यू नो इवेंचुअली गुड प्रिवेल्स इन द एंड, इट्स ब्यूटिफुल टू वॉच. ब्यूटिफुल फिल्म, ब्यूटिफुल सीक्वेंसेज, ब्यूटिफुल साउंड ट्रैक, सब कुछ A1 है. सो दैट्स डेफिनेटली माय नंबर वन एनिमेटेड मूवी. आई कुड से लायन किंग एंड द अदर्स बट इंस्टेड आई विल गो समवेयर एल्स. देयर इज अ शॉर्ट फिल्म on nowness.com that you can watch. उसका नाम है Man O Man. अभी एकदम कंटेम्प्रेरी पिक्चर है. ये एक ऐसी कहानी है which is roughly around the average beta male. जो beta male होता है आजकल के ज़माने का is not in touch with his masculinity or rather his sexuality, is afraid to express his sexual desires and to accept the fact that he is a man, quote unquote. Right, he's timid, he's shy, is not in touch with his natural aggression. ये सारी जो चीज़ें होती है ना, those themes are in this short movie. तुम उसका पहला सीन देखो, it will blow your mind because what they do is they have stick figures, stop motion animation. I'm not really exactly sure, but हर फिगर के पीछे you know जैसे कठपुतली के सामने वो लगी होती है ना, ऐसे कठपुतली वाले फिगर्स के अंदर हाथ पे पैर पे हर जगह रस्सी लगी होती है ना, everyone has that. But it's set in a very modern context. Apparently, जो इसका first opening scene है, is around a bunch of these guys, including the scared beta male protagonist, doing this thing called primal therapy. एक पुरानी तरह की therapy थी जो 60s-70s में मशहूर हुई थी, जहाँ पे लोग अपने आप को therapize करने के लिए, ठीक करने के लिए चीज़ें तोड़ते मरोड़ते थे, गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे, right? That sort of thing to, क्योंकि ये मानना था कि आपके अंदर एक primal nature है, एक आपका beastly nature है जिसको निकलना बाहर है. तो movie बहुत interesting है और I'd much rather not reveal anything here.
बिकॉज इसके अंदर छोटी ही पिक्चर है, स्पॉइलर दे दूंगा, बट इट्स अ मस्ट वॉच अगर तुम्हें अप्रिशिएट करना है हाउ फार मॉडर्न एनिमेशन इज कम. बट मोर इम्पॉर्टेंटली, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रिकी नेचर ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ मॉडर्न मैन, ठीक है, विद ऑल द फोर्सेज अराउंड इन द सोशियो पोलिटिकल सिस्टम्स एंड इन आर कल्चर दैट हैव मेड इट टफ टू बी अ मॉडर्न मैन, एंड एंड ऑफकोर्स देर आर यू नो वेरी फ्यू रोल मॉडल्स. उस सेंस के अंदर इट्स अ फिटिंग लेसन slash insight into the powerful nature of what masculinity can do. So that's my second picture called Man O Man on nowness.com. You can go watch that. Number third is a film I recently saw on Mubi. Agar aapke Mubi ka subscription nahi hai, I'm sure tum kahin na kahin ye picture dhoond loge. It's called Fantastic Planet. It's made by one guy, Roland Topor, who did the animation. Dusre bande ka main naam bhul gaya. I remember Roland Topor because he has the same birthday as me, January 7. And is picture ke andar scene ye hai ki there are a bunch of aliens in a world where they have humans as their pets. Ji haan, aliens rehte hain aur human unke gulam ban ke rehte hain aur har human ke paas ek patta hota hai aur human dwarf hote hain, itne itne se hote hain aur ye aliens vishal se hote hain. It's about this human pet who figures out ek tarika free hone ka और ह्यूमंस को छुड़ाने का. ऑन द आउटसाइड इट लुक्स लाइक अ वेरी स्टीरियोटिपिकल साइंस फिक्शन काइंड ऑफ मूवी, बट आई विल टेल यू समथिंग दैट विल ब्लो योर माइंड. ये पिक्चर 70s में बनी थी और अगर तुम इस पिक्चर की एनिमेशन देखोगे 70s के हिसाब से, इसकी स्टोरी टेलिंग सुनोगे, इसका ट्रिपी सा साइकेडेलिक साउंड ट्रैक सुनोगे, तुम्हें लगेगा फक ब्रो ये क्या सीन है, दिस इज अमेजिंग. जस्ट फॉर द शेयर एस्थेटिक डिलाइट, द साइंस फिक्शन लवर इन यू and the fact ki 70s ke hisab se it's a bloody animation marvel, that film is on the list. Number 4 is a Wes Anderson film. Pata nahi maine is channel pe pehle share ya kara ya nahi kara, but I'm a big Wes Anderson fan. He's a director who's created Darjeeling Limited, Mount Rushmore, Royal Tenenbaums. Is picture ka naam hai Fantastic Mr. Fox. George Clooney ne aur ek aur kisi actress ne isko voice kara hai. Aur again, वेस एंडरसन का स्टाइल ही है, ही इज कॉल्ड एन ऑटोर. ऑटोर बेसिकली जैसे ऑथर होता है, ऐसे डायरेक्टर्स की दुनिया के अंदर ऑटोर होता है. ऑटोर वो इंसान होता है जो पूरी प्रोसेस के अंदर फ्रॉम आइडिएशन टू पोस्ट प्रोडक्शन हर एक चीज़ कैमरा एंगल पे अपना डिलिबरेट कंट्रोल लेके आता है. जिस तरह से ऑथर अपने किरदार को फ्रॉम लाइफ उठा के लेके आता है, हर चीज़ वो डिसाइड करता है उस दुनिया के अंदर, इसी तरह से इस पिक्चर के अंदर हर डिसीजन पे वेस एंडरसन का फोकस होता है. तो ये है फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, अबाउट एक ऐसा फॉक्स जो इंसानों की दुनिया में रहता है, उसके और भी इंसान दोस्त हैं, बड़ा पेपी सा है, चिरपी सा है. ऐसे नहीं होते बकचोद से, अगर तुम्हें याद हो कार्टून में वो आता था टॉप कैट नामक कार्टून, आई डोंट नो हाउ ओल्ड पीपल आर हियर, बट वो एक हरामी सा होता था. उसके अंदर एक चुल होता था कि यार मैं कुछ हरामजादगी करूँ क्योंकि मैं एक बदमाश शातिर किस्म का इंसान हूँ, राइट. पर उसको फैमिली लाइफ में ढलना पड़ता है, उसकी बीवी बोलती है यार ये सब गलत काम छोड़ दो, क्योंकि जो फॉक्सेस होते हैं ना वो लुटेरे होते हैं, चिकन विकन चुराते हैं जैसे जाके. पर वो कहता है यार मैं वाइल्ड एनिमल हूँ, मेरी फितरत है, मानती नहीं. तो वो बहुत बड़ी सी रॉबरी प्लान करता है और बड़ा आदमी बनना चाहता है, सब लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है. ऑल एंड ऑल व्हाई द फिल्म इज ग्रेट इज नॉट ओनली, एक तो एनिमेशन की बाप है, दे यूज स्टॉप मोशन एनिमेशन, ये मेरे को पता है. एक एक प्लॉट पॉइंट, फैमिली के डायनामिक्स, बेटे के साथ कैसा रिलेशन है, वाइफ के साथ कैसा है, चेले के साथ कैसा है, यू नो एंटैगनिस्ट कैसे हैं, अगर एंटैगनिस्ट को भी डिफाइन करा है तो एक बहुत मोटा है, एक बहुत छोटा है और एक बहुत हरामी है, ठीक है. द वे द कैरेक्टर्स आर डन इज इट्स सो टाइट दैट देयर इज नो रूम फॉर यू नो कि तुम एकदम ऐसे लूजली कहीं और देखो, ग्रिप करके रखती है पिक्चर. एंड आई रिसेंटली वॉच्ड इट, एंजॉयड अ लॉट. इट्स ऑल्सो अ गुड फिल्म टू वॉच बिकॉज बहुत कम ऐसी एनिमल्स वाली वो हैं एनिमेशंस दैट डू जस्टिस. आई मीन यू कैन थिंक अबाउट लायन किंग एंड जंगल बुक, बट दोज एवरीवन नो, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट सॉर्ट ऑफ मेड फॉर एडल्ट्स वाली जो वाइब होती है. So in that sense, it's beautiful. The other one that I want to point out now is Waking Life. Waking Life ek aisi picture hai jisko Richard Linklater naam ke director ne direct kara tha, again in the late 90s. Aur iska pura system ye hai ki duniya ke andar sab logon ne sapne dekhne ki ability kho di hai. Khali ek banda hai jo sapne dekh sakta hai. To jis tarah se aap imagine karte ho, philosophy majors baat karte hain, jis tarah se aap imagine karte ho, लोग कोट एंड कोट डीप बातें करते हैं. इमेजिन एक पूरी पिक्चर जो खूबसूरत एनिमेशंस के साथ सिर्फ यही कर रही है, जहाँ पे लोग ये इस प्रोटैगनिस्ट कई सारे लोगों से मिल रहे हैं और वो अपने अपने ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव उसको दे रहे हैं. जैसे वो ऐसे बोलेंगे कि यू नो मैं बोलता हूँ लव, तुम बोलते हो लव, पर क्या हम लोग सेम चीज़ मीन करते हैं? वर्ड्स डोंट मीन द सेम थिंग, देयर जस्ट एम्प्टी कंटेनर्स फॉर व्हाट वी होप टू से.
तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अराउंड द नेचर ऑफ लाइफ, एग्जिस्टेंशलिज्म, अब्सर्डिटी. एक एनार्किस्ट मिलता है जो अपने आप पे पेट्रोल से जला लेता है अपने आप को, टॉकिंग अबाउट द अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ. सो इफ यू इनटू दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, वेकिंग लाइफ इज गुड, बिकॉज ये सारी की सारी पिक्चर इज शॉट विद रियल लाइफ एक्टर्स. एंड देन अगर तुम फोटोशॉप जानते हो तो सोलराइज या फिर पोस्टराइज वाला इफेक्ट लगा के उसको पूरा एनिमेट करा गया है. तो इट लुक्स वेरी वंडरफुल टू वॉच. इट्स अ ग्रेट मार्वल इन इटसेल्फ. एंड रिचर्ड लिंकलेटर इसी टाइप की पिक्चरें बनाता है, वेयर यू नो ही इज गॉट अ लॉट ऑफ यंग एडल्ट्स क्वेश्चनिंग देयर डिसीजंस, गोइंग थ्रू लाइफ हाफ कन्फ्यूज्ड, हाफ टेकिंग एडवाइस फ्रॉम हूएवर दे मीट. ये पांच अमेजिंग एनिमेटेड फिल्म हैं दैट आई थिंक यू कैन वॉच एज एन एडल्ट एंड एन्जॉय. ये एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर ऑफकोर्स दो या तीन पॉपुलर मूवीज हैं और दो तीन एक्लेक्टिक मूवीज हैं जो तुमने कभी नहीं देखी थी. अगर इस तरह की रिकमेंडेशन तुम्हें पसंद आती है, जैसे कि पॉडकास्ट, बुक्स, यू नो म्यूजिक, कुछ भी, क्योंकि मेरे को खुद भी पसंद है ऐसे क्यूरेशन करना, ऐसे बताना, लेट मी नो एंड आई विल मेक मोर वीडियोज अराउंड दिस. दीज वीडियोज आर फेयरली मोर फन टू मेक एंड आई जस्ट गेट टू सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैव हेल्प्ड मी एंड यू नो पुट देम इन लिस्ट्स. तो अगर इस तरह की चीज़ें पसंद आती है, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड विल डेफिनेटली डू मोर ऑफ दिस स्टफ. राइट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. एंड इफ यू वॉच्ड एनी ऑफ दीज फिल्म्स, जस्ट राइट डाउन व्हाट यू फेल अबाउट देम. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन. शाउट इट आउट.